हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग की नई साइट चालू हो चुकी है दोस्तों मेरे। ये देखिए नया काम स्टार्ट हो चुका है हम लोग का। जैसे कि वीडियो देख सकते हैं, हमारी पिछली वीडियो देखे से है आप लोग। इंशाल्लाह नया काम चालू हो चुका है, हम पूरी वीडियो बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। इसमें हम लोग गड़ों की मार्किंग कर चुके थे और गड़ा पूरा खोद चुके हैं। यहाँ पर डीप जो है 7 फीट की डीप है और गड़ाई का साइज़ जो है 94 बाई 4.5 का है। गड़ा जो है पूरा खोद चुके हैं 7 फीट डीप में और इसके अंदर जो है बेड डाल रहे हैं। यहाँ पर मोटे कंकर का 40 mm कंकर डाल चुके हैं। इसके ऊपर जो है रेती का माल और सीमेंट मिलाकर जो है डालकर इसमें दमस करते हैं। अच्छे से करने के बाद जो है हम लोग, और ये गड़े में भी पूरा मोटा कंकर डाल चुके हैं अच्छे से। इसके अंदर रेती का माल डालकर सीमेंट मिलाकर अच्छे से दमस कर और जो है गड़े के अंदर जो है अच्छे से मैट बनकर, राड़ों की 2 mm में बनकर मैट डालकर इसके अंदर कॉलम ठहरा करते हैं हम लोग। करने के बाद उसके बाद कंक्रीट का माल जो है कास्ट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और इसी वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा हम लोग का काम कैसा चल रहा है। ये जो है प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का है, जैसा इंजीनियर ने प्लान दिए थे हैं। इसके अंदर लिफ्ट का गाला भी है यहाँ पर। इंशाल्लाह मैं पूरा बताऊंगा इसी वीडियो में। गड़े जो है हम लोग की कंप्लीट हो चुके हैं, मार्किंग होकर पूरे हो चुके हैं। इंशाल्लाह बेड डालने के बाद कल मैट डालकर कॉलम खड़ा करेंगे। यहाँ पर जो है पूरे कॉलम बनकर रखे हैं, यहाँ पर पूरे रेडी है। और गड़े के अंदर जो है पूरे ठहरा करने वाले हैं। करने के बाद जब माल कास्ट करेंगे हम लोग, और गड़े का जो कॉलम रहेगा, ये जो एल है 1.5 फिट का एल है, 1.5 फिट का होना ज़रूरी होता है। और कॉलम का जो साइज़ है 9 बाई 15 का है ये जो कॉलम, और उसका एल जो है 1.5 फिट का है। और पूरा कॉलम के अंदर पूरा 16 mm के 6 रॉड है, क्योंकि इंजीनियर साहब ने G+3 का प्लान दिए हैं। सोजे से 6 रॉड 16 mm के दिए हैं कॉलम के अंदर। G+3 का पोडिशन डालने वाले हैं हम लोग, वो हिसाब से इंजीनियर साहब ने कॉलम में 16 mm के 6 रॉड दिए हैं और 9 बाई 9 इंच बाई 15 इंच का कॉलम है ये। और ये कॉलम पूरे रेडी कर यहाँ पर रखे हैं। गड़ों में बेड का काम चल रहा है। जैसे कि बेड का काम ख़त्म होने के बाद इसके अंदर मैट डालेंगे हम लोग 4 बाई 4 की 6 इंच एल लेकर। उसके बाद कॉलम ठहरा करेंगे, उसके बाद फिर फुटिंग डालेंगे इंशाल्लाह। मैं इसी वीडियो में पूरा बताऊंगा आप लोगों को। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। खड़े तो पूरे हो चुके हैं और प्लॉट के अंदर 13 कॉलम आ रहे हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। यहाँ पर मिट्टी उधर इधर गिरी है, इसमें हर साइज़ लिफ्ट का, रूम का साइज़ जल्दी समझ में नहीं आता है। प्लेट बीम के टाइम पे पूरा इंशाल्लाह पूरा समझ में आता है। प्लेट बीम जब कास्ट करेंगे, जब वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह ये प्लॉट का कैसा चल रहा है, कैसा बन रहा है इंशाल्लाह उसमें बताऊँगा। देखिए गाइस, कॉलम पूरे ठहरा कर चुके हैं हम लोग गड़ों में। आज जो है फुटिंग डाल रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ये देखिए गड़े के अंदर माल डाल चुके हैं कंक्रीट, और 1.5 फीट बेड डाल चुके हैं इसके अंदर कंक्रीट और सीमेंट मिलाकर। और कॉलम जो है, जैसे कि हमने बता रहे हैं वीडियो में, 9 बाई 15 इंच का कॉलम है ये। इसको 1.5 फीट एल देकर कॉलम में खड़ा कर चुके थे, 12 mm की मैट डालकर, और आज कंक्रीट कर रहे हैं।
इसके अंदर जो है 6 थैले का माल डाल चुके हैं बेड का, और ये गले में जो है 4 थैले का बेड डालकर 3 थैले का फुटिंग डाल रहे हैं, इसको टेपर बोलते हैं। और जो है इसको पतला माल पहले बेड का डाल चुके हैं गले में 3 थैले का, उसके बाद जो है 4 थैले का फुटिंग बना रहे हैं यहाँ पर थोड़ा लाइट कच्चा करके माल। इससे क्या होगा, फुटिंग मजबूती अच्छी मिल जाएंगी इसके अंदर गले में, और आराम से अपन जो है G+3 का काम चल रहा है। 5 लाख ये जो है हमारे मेस्त्री साहब है, इन्होंने जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर, फुटिंग को बेहतरीन तरीके से अच्छे से साफ कर रहे हैं, कंकर के माल को ज़बरदस्त फुटिंग बना चुके हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। काम जो है एक नंबर का हो रहा है ज़बरदस्त। ये देखिए ये मिस्त्री साहब है हमारे, इन्होंने जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर, और फुटिंग जो है बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। मिस्त्री साहब कितने थैले का माल डाले है फुटिंग में? फुटिंग में देखो साहब 6 थैले का माल डाले हुए हैं। 6 थैले का माल डाले हैं, और टेपर को कितने थैले डाले? 3 थैले डाले। 3 थैले टोटल 9 थैले डाले हैं फुटिंग के अंदर माल, और 5 थैले जो है बेड को डालकर 6 थैले बेड को डालकर 3 थैले टेपर को डाले, टोटल 9 थैले का माल डाले हैं इस फुटिंग में। क्योंकि इस गड़े में बहुत नरम थी मिट्टी, और जो है पूरी लेगड़ मिट्टी है यहाँ पर ये गड़े में, उस वजह से इंजीनियर साहब बहुत ज़्यादा माल डालने लगा रहे हैं। क्योंकि G+3 या 4 का काम चल रहा है यहाँ पर, उस वजह से प्रोडक्शन में अच्छे से माल डालना बोल के बताए हैं, तो बेहतरीन तरीके से माल डाले हैं यहाँ पर। और ये जो माल है पूरा मशीन से चला रहे हैं, मिलर से बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए भाई मिलर से माल डाल रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त, टोटल 13 कॉलम है, पूरे कॉलमों में वही तरीके से माल गिर रहा है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर। देखिए नीचे पहले ऑलरेडी 5 थैले का बेड डाल चुके हैं, और उसके ऊपर टेबल डाल रहे हैं 3 से 4 थैले का टेबल का पूरे कॉलम ठहरा कर कर। ये मिस्त्री साहब है अभी फुटिंग बना कर आए हैं, थोड़ा पानी पी लिए हैं, इनको पसीना बहुत जा रहा है। ये मिस्त्री ज़बरदस्त काम करते हैं, एक नंबर का काम करते हैं ये मिस्त्री साहब हमारे। क्या नाम है मिस्त्री साहब आपका? मोहम्मद मंसूर अली है इनका नाम। बहुत अच्छा काम करते हैं भाई। ये देखिए दोस्तों यहाँ भी ख़त्म हो चुकी है फुटिंग का काम, ज़बरदस्त फुटिंग बना चुके हैं यहाँ पर भी ये गड़े में भी, और यहाँ पर भी ये फुटिंग जो है शूज टेप है, क्योंकि पीछे दीवार है तो वन साइड आती है फुटिंग, पूरी वन साइड आ चुकी है ज़बरदस्त, और वहाँ की भी पूरे फुटिंग वन साइड आ रहे हैं यहाँ पर। सेंटर में कॉलम नहीं है, पूरी कॉर्नर पे कॉलम दे चुके हैं इंजीनियर साहब हमारे, तो उस वजह से शू टेप फुटिंग आती है वन साइड की है, उस वजह से अच्छे से माल डालने लगा रहे हैं यहाँ पर फुटिंग का, बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है ये पूरी साइड पर। ये देखिए दोस्तों पूरा माल मिलर से मिक्सिंग कर कर डाल रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन, वहाँ जो लेबर जो डाल रहे हैं फुटिंग का माल बहुत ही अच्छी तरीके से डाल रहे हैं यहाँ पर। पूरा काम हो चुका है फुटिंग का हम लोगों का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिलेट बीम का वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों का ज़रूर दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। हम लोग जो है चैनल पर नए हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक करिए।